अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको टीम पाकिस्तान ने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे। एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं फ्लाइट्स के मुतल्लिक। पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर अनथक मेहनत कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कुछ लोगों के लिए एक फ्लाइट ही ओपन हो जाए ताकि उम्मीद लग जाए लोगों के फ्लाइट्स बहाल होगी। इसी वाले से एक अपडेट आ चुकी है, मुकम्मल न्यूज़ आप लोगों से शेयर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस न्यूज़ चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो न्यूज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो 14 अगस्त को बिलाल अकबर की जानब से जो योम आज़ादी मुबारक की एक ट्वीट की गई थी, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों के रिप्लाई गए थे कि सभी लोगों की यही परेशानी थी कि फ्लाइट्स। ठीक है, उस हवाले से एक बंदा मियाँ फयाज़ अहमद इस भाई का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने एक सवाल किया कि सर बेस्ड ऑन योर लास्ट मीटिंग हाउ मच यू आर श्योर दे विल ओपन फ्लाइट सोन प्लीज़ रिप्लाई। मतलब उनका कहने का ये था कि आपकी जो लास्ट मीटिंग हुई है, होने वाली या हुई है, आप कितने श्योर हैं, आपको कितने चांसेस लग रहे हैं कि सऊदी अरब इस मीटिंग के बाद कितने परसेंट हैं कि फ़्लाइट बहाल करेगा। तो बिलाल अकबर की जानब से ये जो रिप्लाई किया गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर दैन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि सऊदी अरब 30 अगस्त को पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर देगा। ये कहना था बिलाल अकबर साहब का। सो जैसे ही कोई लेटेस्ट अगर अपडेट आएगी फ़्लाइट्स के मतलब सबसे पहले आपको इस न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।